हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो बातें करने जा रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आज के दिन लगभग 100+ के रिटर्न आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब 100% के रिटर्न आपको, सबको मुबारक हो। जिसने वीडियो देखी होगी, इन्वेस्ट किया होगा 100% से ज़्यादा रिटर्न। और पिछले कुछ दिनों से मैं कंटिन्यूसली आपको अलग अलग वीडियो बनाता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इन शेयर में इन्वेस्ट करो, इन शेयर में इन्वेस्ट करो, आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे, मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे। तो वही शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ अलग शेयर आपको बताने वाला हूँ, जो कि आने वाले 1-2 महीने में कुछ ना कुछ अलग करके आपको दिखाएंगे, और शायद आने 1-2 दिन में ही करके दिखा दे, कुछ नहीं पता, शेयर बाजार है। और तो इसी से रिलेटेड वीडियो है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट सारे शेयर है, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, और उस सबसे बारे में चर्चा करेंगे। बट बिफोर दैट, हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारी चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करो, शेयर करो फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और एक वीडियो मैंने अभी यहाँ पर डाली है, अगर मैं आपको बताऊँ, GMM फॉर्डलर से रिलेटेड। ये वीडियो को जरूर देख लेना। GM फॉर्डलर बेहतरीन आपको स्टॉक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ आई है, उस वजह से शेयर 20% भाग चुका है, तो उससे रिलेटेड बातें करिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड मैं आपको बातें करने जा रहा हूँ, और कोई शेयर है नहीं, वो शेयर का नाम सिंपल है। क्या नाम है? तो पहला शेयर है हिंदुस्तान फूड्स। हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, आपको पता ही है क्या बेहतरीन शेयर है, और क्या हमारा हमने एक देखा था उसके फंडामेंटल्स, हमने चेक किया था, और 100% के रिटर्न्स मैंने आपको ये शेयर 900 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि इस शेयर में इन्वेस्ट कर लीजिए, ये शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए जाएगा, क्योंकि ये जो जिस सेक्टर में काम कर रहा है ना, बहुत बेहतरीन शेयर है। और मैंने आपको बताया था कि इसके टारगेट 10,000 रुपये है। और क्यों है इसके टारगेट 10,000 रुपये? क्योंकि इसके जो क्लाइंट है, काफ़ी बेहतरीन क्लाइंट है। जितने भी FMCG के बड़े बड़े क्लाइंट है, सारे इसी के हैं। तो मैंने आपको देखा, यहाँ पर ही वीडियो बनाई थी, 900 रुपये पे शेयर चल रहा था 4 दिसंबर को, आप देख सकते हैं। 4 दिसंबर, वो 6 तारीख को यहाँ वीडियो मैंने बनाई थी। 250 लोगों ने यहाँ पर उस टाइम देखा था। जिसने भी ये देख के शेयर लिया होगा, तो उसे 100% के रिटर्न्स, बल्कि मोर देन 100% के रिटर्न्स मिल रहे होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसके, तो इसकी तरफ जब भी आपको बाय एंड डिप्स करने का मौका मिले ना, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ऊपर आपको लिंक दे दूंगा, तो आप इसका वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एज वेल एज एक शेयर और था, अगर हम बात करें तो वो शेयर था कौन, इन्फोएज। इन्फोएज से रिलेटेड मैं पिछले 4, 5, 6 दिन से, और 1 वीक से कह सकते हो कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि इस शेयर को खरीद दिए। ये शेयर काफ़ी मल्टी बैगर है और काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देगा। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी 4,200, क्योंकि ये लगभग 5,600 रुपये से, 56 भी नहीं कहूँगा मैं, 5,800 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है। तो वहाँ से ये गिर के यहाँ पर आया था, और मैंने कहा था कि इसे एक्यूमुलेट कर लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े अनाउंसमेंट, जोमेटो एज वेल एज पॉलिसी बाजार के IPO से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। तो ये शेयर देखिए फिर दोबारा ऊपर तक गया था, फिर गिरा था, फिर मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था, फिर एक्यूमुलेट करिए, बाय ऑन डिप्स का जब भी मौका मिले तो आप खरीदते रहिए, आपको रिटर्न देगा। तो आज के दिन में कितना, 7% के मल्टीबैगर रिटर्न, मतलब आज के दिन में ही 7% के रिटर्न इसने दे दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इन्फो एस पे 5,000 पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, कब, 8 फरवरी को। तो मैं इस यहाँ पर कंटिन्यूसली वीडियो बनाता आ रहा हूँ, मतलब 2 दिन पहले ही मैंने आपको ये वीडियो बना के बनाई थी, और इसके अलावा मैंने 8 फरवरी को भी वीडियो बनाई थी और उसमें भी इसका जिक्र किया था। तो मैं आपको कंटिन्यूसली इसके वीडियो बारे में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस शेयर की ताकत क्या है। और आप लोग कह भी रहे होंगे कि मैं कंटिन्यूअसली उसी के रिलेटेड वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड वीडियो देखिए। सुबह उठ के एक नए स्टॉक को सर्च करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आपको, इफ़ यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, तो सिंपल आपको क्या करना है कि जो आपके स्टॉक भाग रहे हैं ना, जो आपके स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसी में इन्वेस्ट करते रहिए, उसी में आप SIP करिए, उसी में बाय ऑन डिप्स पे खरीदिए। आपकी जो वेल्थ है, ऑटोमेटिकली आप 5-10 साल, 15 साल का टाइम देंगे तो आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। सुबह उठ के एक नया शेयर देखा और उसे इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े लोग ये बिल्कुल नहीं करते कि एक उनके जो अगर 30 शेयर है उनके पास, वो 30 शेयर देखते हैं, 30 शेयर में कहाँ पर गिरावट हो रही है, बाय ऑन डिप्स उसके रिजल्ट्स पढ़ते रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, और उन्हीं शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। दे आर नॉट लुकिंग अप फॉर अ न्यू शेयर, आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। सुबह उठे और नया शेयर देखा कि एक नया शेयर ढूंढेंगे, स्टडी करिए,
ओके वो सबसे अच्छी बात है, बट एक जो आपका शेयर भाग रहे हैं ना, उसी में इन्वेस्ट करिए, उसी में इन्वेस्टेड रहिए. अगर भाग रहे हैं तब भी इन्वेस्ट करिए, गिर रहे हैं तब भी इन्वेस्ट करिए, तो वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देंगे, अच्छी खासी पूंजी आपको इकट्ठी करती हुई दिखाई देंगी. इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक नीचे लिंक मिलेगा, ओके एक फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ. यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री मार्जिन, फ्री ब्रोकरेज, ओके 30 डेज के लिए फ्री में अकाउंट, 20 डेज, 0 डिलीवरी चार्जेस. तो इस यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो फ्री में डीमैट अकाउंट. और एक और अनाउंसमेंट, यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अपनी इच्छा अनुसार पुण्य काम में आप मदद कर सकते हैं. इस लिंक पे जाएंगे तो इनकी वेबसाइट पे सीधे ले जाएगा, और 10 रुपये से लेके आप जितना भी आपका मन हो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर दान कर सकते हैं. बहुत अच्छा काम है, तो आपको मोस्ट वेलकम है. इसके अलावा एक और शेयर था, मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी टाइम पहले से ही बता रहा हूँ, वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स. ओके मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ हैप्पीएस्ट माइंड की. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 363 पे तो देखिए वीडियो बना ही बनाया था. उससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाया और बताया है कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. ओके इसका मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, आईटी का शेयर है, आपको बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए मिलेगा फ्यूचर में. तो इस शेयर को खरीदिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए. और जब भी बाय ऑन डिप्स का मौका मिले, तो मुझे भी बाय ऑन डिप्स का मौका मिला था यहाँ पर बीच में 325 के आसपास, तो मैंने भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट किया था. ओके इसे खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे. और देखें यहाँ पर ये कि लगभग ये मैंने ये शेयर बताया था आपको. ओके और फिर इसके बाद अभी जो शेयर चल रहा है, तो 20%, 10%, 15% डेली 2 दिन से तो भाग ही रहा है. आज के दिन भी अगर हम देख और अभी देखिए कहाँ पर पहुँच गया है, 550 रुपये पे ये शेयर बैठा हुआ है. 550 का मतलब 550 तक गया था, फिर नीचे यहाँ पर आ गया है. ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर है, तो इसलिए इस शेयर को ध्यान दीजिएगा. बाय एंड डिप्स का जब भी फ्यूचर में मौका मिले तो इसे रख लीजिएगा. और ये शेयर ऐसा शेयर है, ये TCS और इंफोसिस को आगे चल के टक्कर देने वाला है. तो इसे अपने पोर्टफोलियो में बाय एंड डिप्स करके रखिएगा, और कम से कम 15-20 साल के लिए रख के ना भूल जाइए. और ज़्यादा नहीं, 10-15-50 हज़ार रुपये लगा दीजिएगा इसमें बाय एंड डिप्स कर करके एक एक शेयर उठा के, हम महीने में या साल में या जिस तरीके से आप कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, और भूल जाइएगा 15-20 साल में. मुझे लगता है, मेरी पर्सनल व्यू है कि ये शेयर अगर 50 हज़ार रुपये भी लगा दिए ना, तो 1 CR ये 15 से 20 साल में करता हुआ आपको नजर आएगा. तो ये काफ़ी बेहतरीन शेयर है, इसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा. इस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, सारे लिंक ऊपर दे दूंगा. इसके अलावा अब बात करते हैं उन शेयर से रिलेटेड जो आपको आगे चल के, ओके आगे चल के मतलब आगे चल के आपको बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए नजर आएगा. ओके वो शेयर देखिए ऑलरेडी फंडामेंटल सारी कंपनी के शेयर है और आगे चल के भागने वाले हैं. तो जिन शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, सबसे पहले इन्फोसिस. इन्फोसिस की ताकत आपको पता ही है, क्या ताकत है. ये शेयर वो शेयर है जिसने 50 हज़ार रुपये को 1 करोड़ रुपये में तब्दील किया है, अपने टाइम में. तो इसलिए इस शेयर को बिल्कुल मत भूलिएगा. नंबर 1 वर्ल्ड का 3 से 4 नंबर का नंबर आईटी स्टॉक है, सब जो आने वाला है टॉप का इंडिया का मजबूत स्टॉक है. तो इसे जरूर एकुमुलेट कर लीजिएगा. 1200 कुछ रुपये के आसपास चल रहा है, 1300 रुपये से 1400 रुपये के आसपास से टूटा है, तो उधर तक जाता हुआ आपको नज़र तो बहुत जल्दी आएगी. और जब भी 1400-1500 रुपये पे आता है तो आपको बोनस देता हुआ भी नज़र आता है, वो बोनस दे भी सकता है, इतनी अच्छी इसकी बैलेंस शीट है. तो ध्यान रखिएगा. इसके अलावा TCS अगेन बहुत अच्छा स्टॉक है, तो ध्यान दीजिएगा इसके में भी. और ये शेयर भी उसी तरीके का है, ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है. 3300 के आसपास शेयर था, अभी 3500 के 3050 के आसपास चल रहा है शेयर. तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए, ये शेयर को आप एक्यूमुलेट जब भी कर सके तो कर लीजिए. SCL बड़ा बेहतरीन स्टॉक है, ये सारे के सारे स्टॉक SCL हो गया. इसके अलावा टाटा इलेक्सी हो गया, LTI हो गया, लार्सन टुब्रो इन्फोटेक, इस और टेक महिंद्रा हो गया. 5G से रिलेटेड सबसे पहले काम करने वाला शेयर. तो आपको बताना चाहता हूँ, ये इन शेयरों में जब भी मौका मिले ना, आपको बाय ऑन डिप्स करके खरीदते रहिए और अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए. ये सारे के सारे शेयर आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाले हैं, इसलिए इन शेयरों को बिल्कुल कम मत समझिए, काफ़ी बेहतरीन शेयर है. और ये जितने भी शेयर मैंने आपको बताए हैं, हैप्पीएस्ट माइंड से लेके हिंदुस्तान फूड से लेके और भी बहुत सारे स्टॉक अभी गिरे हुए हैं जो FMCG से रिलेटेड है, उन्हें भी एक्यूमुलेट धीरे धीरे करिए आप अपनी इच्छा अनुसार. और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए कोई भी पोजिशन बनाने से पहले, तो ये फ्यूचर में आपको वेल्थ क्रिएट करते हुए देंगे.
ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और एज वेल एज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, हमारे इस चैनल को मोटिवेट करें, ओके, हमारे इस चैनल को शेयर करें, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ और आपको नॉलेज मिलती रहे मुझसे, और मुझे नॉलेज मिलती रहे आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।